तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप फेसबुक पेज का यहाँ पर क्यूआर कोड कैसे बना सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि आपने जो भी आपका फेसबुक पेज है यहाँ पर उसका मतलब उसे ओपन कर लेना है फेसबुक पेज को, और उसका यूज़र नेम जो भी होता है मतलब लिंक कॉपी कर लेना है। यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको इसमें जाना है उसके प्रोफाइल में, और यहाँ से आपको योर पेज लिंक कॉपी कर लेना है। कॉपी लिंक पे क्लिक करने के बाद कॉपी हो जाएगा या लिंक। उसके बाद किसी ब्राउज़र पे आपको जाना है, और ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको सर्च करना है क्यूआर जेनरेटर। सर्च करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेबसाइट आएगी इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो क्यूआर आपने यहाँ पर जो लिंक कॉपी किया था उसे यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद नीचे आप आओगे तो यहाँ पर बहुत सारे क्यूआर मतलब दिख जाएंगे। जो भी आपको इसमें पसंद आ रहा है यहाँ से आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते एक क्यूआर कोड सेलेक्ट करके आपको इसमें से कस्टमाइज़ करना है तो कस्टमाइज़ भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है ये उसी क्यूआर पे, और जो भी आपको बेसिक लग रहा है जो भी मतलब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो बैकग्राउंड कलर ऐसा है, आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो। कन्फर्म कर देना है और यहाँ देख सकते हो बन के रेडी हो चुका है। अगर जो आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो या कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हो तो इसमें जा कर सकते हो। तो मुझे यही रहने देना है। उसके बाद डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोफाइल नेम आप फाइल नेम कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ FB पेज QR। उसके बाद आपको करने के कि साइज़ में आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मैं इसे ओपन करता हूँ। यहाँ हमारा यहाँ पर फेसबुक पेज का क्यूआर बन के रेडी हो चुका है। सो ऐसे आप अपने फेसबुक पेज का क्यूआर बना सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में।